काम से शुरू करता हूं। पेशे से मैं एक वकील हूं, लेकिन ऐसा वकील नहीं जिसने बड़े बड़े मुकदमे लड़े हों या अदालत में जज के सामने बड़ी बड़ी दलीलें दी हों। नहीं, मैंने हमेशा बड़े आराम से अपने ऑफिस में ही बैठकर काम किया। ये है मेरे मुंशी मिस्टर गुप्ता, जो सबकी हां में हां मिलाना अच्छी तरह जानते हैं और फिर खुद ही हंसते रहते हैं। और ये है उनके जूनियर पवार, बड़े बड़े सपने देखने वाला मगर दिन भर अपनी मेज की ऊंचाई ठीक करता रहता है। छोटू, काम का भी तेज और जुबान का भी। 30 साल की वकालत में मैंने कई मुंशियों को करीब से जाना, मगर एक वो था जो सबसे अलग था, सबसे अजीब। अखबार में इश्तिहार दिया था और हाजिर हुआ बल्ली। ड्राफ्टिंग में मेरी मदद करेगा ये सोचकर साथ वाले कैबिन में उसे एक टेबल दे दिया। बल्ली, जरा यहां आना भाई, ये कुछ पेपर्स चेक करने हैं। सर, मैं नहीं आना चाहूंगा। अरे भाई, मैंने कहा यहां आ जाओ, कुछ पेपर्स चेक करने हैं अर्जेंटली। सर, मैं नहीं करना चाहूंगा। क्या मतलब, क्यों नहीं करना चाहोगे? ये लो, पकड़ो। सर, मैं करना नहीं चाहूंगा। पवार, ये सर, एक मिनट, ये कुछ पेपर्स हैं, मैं पढ़ता हूं, तुम चेक करो। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मेड दिस 8th of October 1972 बाय मेसर्स पार्क मेकर्स एंड सन्स लिमिटेड। सर, मैं निकलता हूं। ठीक है। बल्ली, ये पेपर्स चेक कर लिए? सर, मैं नहीं करना चाहूंगा। फिर मना कर दिया, हद हो गई। आप ठीक कह रहे सर, बहुत हो गया। मैं कुछ बोलूं सर? मुझे तो बिल्कुल सटकेला लगता है सर। सर, आप कहे तो मैं ठीक कर दूं उसे। नहीं, नहीं। बल्ली, बल्ली, स्टैम्प पेपर्स लाओ। सर, मैं लाना नहीं चाहूंगा। तो ठीक है, एक गिलास पानी लाओ। उसकी जगह कोई भी अगर और होता तो मैं उसी वक्त काम से निकाल देता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बली को कुछ नहीं कह पाया।
दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? सर मैं अभी नहीं खोल सकता, आप थोड़ी देर बाद आइए। क्या कर रहा था बली अंदर, जानने के लिए मैं सुबह जल्दी ऑफिस आ गया। यहां रह रहे हो? अरे भाई कुछ तो बोलो, मैं तुम्हें डांट थोड़ी रहा हूं। तुमने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया मुझे। सर मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आज पूरे कर देना। सर मैंने लिखना छोड़ दिया है। बली ये पैसे लो और जाओ। सर मैं जाना नहीं चाहता। जाना तो तुम्हें होगा बली, तुम अपने लिए कोई और काम ढूंढ लेना। अब बहुत हो चुका। फिर भी वो नहीं गया, मैं क्या करता? उसे धक्के देकर बाहर निकालता या फिर पुलिस को बुलाता? आखिर एक दिन मैंने अपना ऑफिस ही बदल डाला, पर कुछ दिनों में पता चला कि नए मालिक ने भी उसे अपने ऑफिस से निकाल दिया है। मैं उसे मिलने गया। ये क्या कर रहे हो बलिया, ऐसा कब तक चलेगा? तुम कहो तो और कोई काम देखो तुम्हारे लिए, कोई भी काम जैसा भी तुम्हें पसंद हो। अच्छा मेरे साथ चलोगे मेरे घर? लेकिन सीढ़ियों पर भी उसे कोई कब तक बैठने देता? बली देखो मैं आ गया। बली कुछ तो बोल। बली बली मैं तो तुम्हें यहां नहीं लाया ना। इस इंसान तक मैं कभी पहुंच नहीं पाया, उसे कभी अपने से अलग भी नहीं कर पाया। वैसे तो इस कहानी का यही अंत है। अगर किसी कहानी का अंत होता है तो